गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल इंडियन यूट्यूबर सोनी ब्लॉग्स में। और आंखों से चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि सुबह सुबह का टाइम है और सो के उठी हूँ। नहीं है मतलब सो के उठे तो मैं काफ़ी टाइम हो गया, 5:30 बजे उठी थी, अभी हो गया 6:30 का टाइम। और चाय वगैरह भी पी ली, हिमा को भी दूध पिला दिया, टॉयलेट वगैरह खिला करा के वापस सुला दिया। और अभी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन, मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि देखो कोई भी इंसान जो है लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। हम अपने आप को सुधारने की, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ तो कोई चीज़ें एकदम परफेक्ट होती नहीं। तो क्या होता है कि जिस दिन मेरे हस्बैंड जो है वो नाइट ड्यूटी पर होते हैं, तो हमारा रूटीन एकदम डिफरेंट होता है। और जिस दिन घर पे होते हैं रात को, उस दिन हमारा रूटीन डिफरेंट होता है। जिस दिन नाइट ड्यूटी पे होते हैं, उस दिन सबसे पहले मैं कोशिश क्या करती हूँ, मैं अपने घर का काम, बच्चों को उठने से पहले मैं झाड़ू पोछा क्लीनिंग जो है वो मैं सारा ख़त्म कर लूँ और नहा धो के मैं अपने दिया बाती कर दूँ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी पर नहीं होते हैं, घर पर ही होते हैं, तो मैं उस दिन क्या होता है, सबसे पहले मेरे किचन का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं खाना वगैरह लेके जाना होता है ड्यूटी पे, या खाना नहीं लेके जाते तो एटलीस्ट खाना खा के जाते, कभी जल्दी जाते कभी, मतलब वो अपनी ड्यूटी का हिसाब होता है, ड्यूटी होती है कितने बजे की टाइमिंग होती है ड्यूटी की। और कल रात में सोई थी 11:30 बजे, मैं आजकल 9:30 बजे तक सो जाती हूँ, लेकिन कल मैं 11:30 बजे सोई थी, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन फिर मुझे उठना पड़ रहा है कि मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना है। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं मकान पे किराए पे करने के लिए, और मैं तब तक बनाऊंगी खाना। और इसी चक्कर में मैंने कल बर्तन भी नहीं धोए हैं, सच कहूँ मेरे बर्तन देखे वो रखे हुए, और पूरियां बनाई थी मैंने रात को, आलू मटर की सब्ज़ी थी और पूरी थी, ये सब बनाए थे। अभी मैं बना रही हूँ आलू और मेथी सूखी सब्ज़ी बनवा रहे हैं, मैं भी शायद खाना लेकर जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। तो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और जिस दिन मेरे हस्बैंड नहीं होते ना, सुबह सुबह मैं थोड़ी देर के लिए टहलती भी हूँ, मैं उस दिन मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है। सो सबके घर की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं भाई, सब कुछ अलग होता है। तो सुबह सुबह प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना विद द बेल आइकन, बेल आइकन आएगा उस पर ऑल भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे ब्लॉग्स जो हैं वो देखो। और ये भी मुझे ठीक करना, ऊपर नीचे कैसे एक दूसरे के अंदर डले हुए यार, इनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। बस ये परेशानी अब थोड़े दिन की है, ज़्यादा दिन की नहीं है परेशानी अभी। और कर लेते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। सबसे पहले मैं जो है कुकर में आलू चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो है आलू पकेंगे ना, तब तक मैं ये किचन क्लीन कर दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ज़्यादा बर्तन हैं भी नहीं, थोड़े बहुत ही बर्तन हैं क्लीन करने के लिए, इसीलिए ठीक है। तो लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैं सोच रही हूँ बच्चों को उठने से पहले मेरा सारा काम फिनिश हो जाए, क्योंकि 7:30 बजे के आसपास मैम की जो है मैसेज भी आ गया था कि वरुण की जो क्लास है, मतलब सबकी क्लास है 8:20 पे स्टार्ट हो जाएगी। तो और भी मेरे काम की जो स्पीड है वो बढ़ गई थी। और यहाँ पे मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि रात को मैं क्लीन करके नहीं सोई थी, बस रात को हम ऐसे ही बातें करते करते, और हमें बहुत लेट नाइट हो गया था, 11:30 पौने 12 के आसपास का टाइम हो गया था,
और फिर उसके बाद मेरा मूड नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ, ना ही मेरी हिम्मत थी, नींद आनी भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये स्लैब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, अभी तब तक मैं आलू उबलने के लिए धो धो के मैं रख दूँगी, 3-4 आलू चढ़ा के रख दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड में भी शायद नाइट ड्यूटी होगी, तो थोड़ी सी सब्ज़ी मैं एक्स्ट्रा बना के रख दूँगी, और तब तक मैं आलू उबलेंगे तब तक मैं बर्तन जो है वो क्लीन कर दूँगी। गाइस अभी ना मेरा किचन का क्या क्या काम हो गया, ये आटा लगा के रख दिया है, सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ, गर्म हो रही है, अभी कढ़ाई सूख रही है, और एकदम आलू भी ठंडे हो गए, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें क्लीन हो गई है, देखो पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया। ये वो सामान है जिसको मैं जो है अभी यूज़ करने वाली हूँ, और बस अच्छे सब्ज़ी बना लेते हैं, रोटियाँ तभी सेक दूँगी जब मेरे हस्बैंड आएंगे, बस 10 मिनट में और आने वाले हैं, तब तक छोटा मोटा काम है जैसे झाड़ू वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी। अभी फिलहाल मैं तड़का लगाने की तैयारी करती हूँ, तड़का लगा लेती हूँ। अभी टाइम हो गया है 3:57, और बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी, मैं तो अभी से पहले बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, और कोरोना की वजह से मैं एसी भी नहीं चला रही हूँ, अभी तक मैंने एसी स्टार्ट नहीं किया है, तो इतनी गर्मी है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और सुबह से ना ये व्लॉग मैंने जो स्टार्ट किया था वो सुबह स्टार्ट किया था कि मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन मॉर्निंग रूटीन गोन ए रॉन्ग। जी हाँ, क्या हुआ कि जैसे ही 7:30 बजे के आसपास अचानक से मैम का मैसेज आ गया कि क्लास है डेली जो है वो 8:20 पे डेली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं कहा क्या होगा, और मेरे हस्बैंड 7:30 का बोल के गए थे, वो 7:45 तक घर पर आए, मैं कहा अभी फटाफट खाना भी बनाना है और वरुण की क्लास भी देखनी है, उसको छोटा बच्चा अभी उसको सारी चीज़ें समझ नहीं आती है, तो उसको एक एक चीज़ प्रिपेयर करके देनी होती है, उसके साथ क्लास में भी बैठना होता है, और फिर फटाफट मेरे हस्बैंड का खाना बना, उनको सारी चीज़ें दे के मैं कब जाऊँ ड्यूटी, ठीक 8:20 पे वो गए थे, और ठीक 8:20 पे वरुण की क्लास स्टार्ट हो गई थी, और 8:20 से 9:20 तक क्लास चली थी। फिर उसके बाद हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर क्लास एक जो फर्स्ट क्लास थी ना वो ख़त्म होने के बाद चलाया था, 9:20 तक 2 क्लास हो गई थी, और उसके बाद हमने सिर्फ जूस वगैरह ले लिया था, वरुण को दे दिया था मैंने जूस, और हिमांग तब तक सो रहा था, और फिर जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने लगी हिमांग सो के उठ गया, फिर तो आपको पता ही है खाना वगैरह बनाया, बर्तन क्लीन किए, और छोटा मोटा जितना भी फैला हुआ था वो फैला तो क्या हुआ था, इतनी देर मैंने खाना वाना बनाया तो हिमांग ने फैला दिया था, वो ठीक किया, अब फिर से दोपहर को फैला के अब दोनों बच्चे सो रहे हैं, और ये एक ऐसा क्वालिटी टाइम होता है चुपचाप शांति से मैं इसको इंजॉय करती हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती इसमें, और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय के साथ, चाय इसलिए ले रही हूँ, आप सोच रहे हो वैसे तो गर्मी बोल रही है और चाय पी रही है, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ आज मेहंदी भिगो कर मैं आज लगा लूँ, या आज मेहंदी भिगो लूँ कल सुबह मैं लगा लूँगी, ऐसे कुछ मैं करने वाली हूँ। और फिर उसके बाद मैं उधर मकान भी गई देखने के लिए क्या काम चल रहा है, फिर वापस आई, वापस का ये छोटे मोटे काम करते 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 मतलब 12:05 में वहाँ से मैं निकली थी, 12:05 हुई थी शायद, तो मैडम का दूसरी मैडम का फिर मैसेज आया कि अभी 12:15 बजे क्लास है, फिर मैं भागी भागी 12:15 बजे क्लास ली, 1.25 घंटे की वो क्लास थी, फिर 10 मिनट का रेस्ट था, फिर 10-15 मिनट का रेस्ट था, उसके बाद फिर तुरंत क्लास थी, और फिर इसकी क्लास 1:45 बजे ख़त्म हुई है, तो फिर उसके बाद मैं इतनी थक गई थी, और सुबह रात को मैं लेट सोई थी, 11:30 12:15 शायद मैं सोई थी, सुबह 6 बजे वही उठ गई थी, तो मेरी नींद नहीं पूरी होती ना, तो मेरी आंखें भरी भरी ना, वैसे मेरी आंखें ना थोड़ी ढूंगी ढूंगी हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं होती, मेरी आंखें बाहर की तरफ दिखाई देती हैं, मोटी मोटी दिखाई देती थोड़ी। सो अभी मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ, फिर उसके बाद वरुण को उठाऊँगी, उसको स्कूल का काम कराऊँगी, क्योंकि उसका स्कूल का काम अभी पेंडिंग है, और मैं चाय पी लेती हूँ। जब तक ट्राईपोड नहीं आ जाता ना, अभी तक तो ना ट्राईपोड की शिपिंग भी नहीं दिखा रहे, 3 दिन से मैंने ऑर्डर कर रखा है, और
नहीं आ जाता तब तक तो ऐसा ही रहेगा। ट्रैपोड आने के बाद प्रॉपर जो है वो अच्छे से शूट हो पाएगा, हर रेसिपी वगैरह और व्लॉग वगैरह जो रूटीन्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से जो वो शूट हो पाएंगी। तो अभी तो मैं सिर्फ चाय एंजॉय कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी जो है मैं करा रूँगी स्कूल का काम, जो बच्चों का स्कूल का काम होता है वो करा रूँगी। दोनों भाइयों के बीच में जो है वो चल रहा है झगड़ा और इमांग जो है वो बैग नहीं दे रहा था। और ये था आज का मेरा रूटीन, टूटा फूटा ही हो गया था। बिना ट्रैपोड तो ऐसे ही चल रहा है भाई, और सारा दिन काम ऐसे काम करने में ना ऐसा ही टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता दिन कब होती है रात कब होता है, कुछ दिन रात का कुछ भी पता नहीं चलता। और वरुण यहाँ पे अपनी जो है वो पढ़ाई कर रहा है, और फिर उसके बाद शाम के खाने की मेरे को तैयारी करनी है क्योंकि जो है बहुत टाइम लग गया था। फिर मैंने चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर वरुण सोता रहा, हिमांक उसी टाइम उठ गया था, और फिर उसके बाद मैंने वरुण को उठाया, उसको दूध वूध दे के और ये सब किया। और क्लीनिंग वगैरह मेरी सारी हो चुकी है, अब प्रॉपर मेरा मे भी शायद आज मेरा ट्राईबोर्ड आ जाए, रोहतक की तरफ दिखा भी रहे हैं। तो बस व्लॉग एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और ये देखो ये क्या हरकतें करता रहता ना, एक एक बुक निकाल रहा है। और ये छोटा सा व्यू आपके लिए।